सिटी इंडिया। नमस्कार, सुबह के 6 बजे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। झारखंड से खबर, जहां 32 घंटे तक गायब रहने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं। अब उन्होंने ईडी को खत लिखकर जानकारी दे दी है कि वो रांची में दोपहर 1 बजे पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने वाले हैं। आज रांची में मौजूद ईडी के अधिकारी आज उनसे सवाल जवाब करेंगे। ईडी ने अर्धसैनिक बलों की एक्स्ट्रा फोर्स को भी तैनात कर दिया है। सूत्रों की माने तो ईडी ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर केंद्र से पहले ही एक्स्ट्रा फोर्स तैनात करने की मांग की थी। तो कल हाई वोल्टेज ड्रामा हमने देखा, किस तरीके से 32 घंटे तक लगभग हेमंत सोरेन गायब रहे। रोड के रास्ते ये कहा जा रहा है कि वो रांची पहुंचते हैं और पीछे के दरवाजे से अपने घर से वो निकलते हैं और उसके बाद एक बड़ी मीटिंग करते हैं। कल्पना सोरेन, उनकी पत्नी, क्या यही प्लान भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, या क्या यही प्लान भी है हेमंत सोरेन का कि जब उनकी अगर संभवतः गिरफ्तारी हो जाए तो पार्टी की कमान उनकी पत्नी के हाथ में आ जानी चाहिए, जो आज से कई सालों पहले आपने बिहार की राजनीति में होता हुआ देखा था। आज पूछताछ होनी है, 20 जनवरी को पूछताछ हुई थी, उसके बाद कई संबंध दिए गए हेमंत सोरेन को, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हुए। आज जब उपलब्ध होते हैं सवाल जवाब होंगे, आगे क्या होता है देखना होगा। हेमंत सोरेन ने ईडी को 1 बजे पूछताछ के लिए समय दिया और ये पूछताछ सीएम आवास पर ईडी के अधिकारी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले खबर यह है कि दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर सत्ताधारी दल के विधायक जुटेंगे और ईडी की पूछताछ के दौरान सीएम आवास पर ही रहने वाले हैं। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि कल रात 2.5 घंटे तक विधायक दल की बैठक चली, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकों पर भरोसा जताया और कहा कि जिसका भी नाम वो प्रस्तावित करेंगे उन्हें विधायक समर्थन जरूर मिलेगा। आज क्या होने वाला है आपके अंदर जरूर ये सवाल होगा, तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। आज दोपहर 1 बजे हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी, उससे पहले 12 बजे से विधायक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और कह रहे हैं कि जब तक पूछताछ होगी वो वहीं जमे रहने वाले हैं। और इससे पहले कल की विधायकों की बैठक में कल्पना सोरेन नजर आई है, यानी अचानक वो राजनीति में सक्रिय दिखने लग गई है, जबकि आज सरकार और सरकार में शामिल पार्टियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने का भी डर सता रहा है। ईडी ने रांची में सुरक्षा व्यवस्था एकदम दुरुस्त कर दी है।